हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। चलिए आज मैं आपको अपने सूट की स्टिचिंग करना बताती हूँ। अगर आपको इसकी कटिंग देखनी है तो मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, जिसमें इसी वीडियो में आपको उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैंने ये नेक अपना रेडी कर दिया है। अगर नेक की वीडियो आपको देखने की कैसे कटिंग और स्टिचिंग करते हैं तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसका सेंटर लिया है मैंने और ये मेरा सूट है, इसका भी मैं सेंटर ले लूँगी इस तरीके से चौक की मार्किंग करके। अब मैंने इस पे सेंटर नॉच लगाना है। कुर्ती में मैंने जब कटिंग करी थी तभी लगा दिया था अपना सेंटर नॉच मिला के इस तरीके से रखना है। देख रहे हो आप, इसी ये जो मेरी क्रीज आई है, अब ये बिल्कुल फाइन वाली जो लाइन है ये मेरी सेंटर लाइन है। अब इस सेंटर से सेंटर मिलाते हुए मैं इसको स्टिच करना बताती हूँ। देखो ये सेंटर नॉच मेरे गले का ये रहा और फैब्रिक का ये रहा। सेंटर नॉच मिलाते हुए मैं पहले सीधा स्टिच कर लूँगी। आप चाहो तो सेफ्टी पिन से या ऑल पिन से इसको सिक्योर कर सकते हैं। और ये जो मैंने सेंटर लाइन की सेंटर मार्किंग करी थी, इस पर अपना सेंटर को इस तरीके से रखते हुए मैं अपना एक सीधी स्टिच कर दूँगी, ताकि मेरा कपड़ा जब मैं गला सी लूँ तो इधर उधर मूव ना हो, गला मेरा टेढ़ा ना हो जाए। ठीक है, ध्यान से देखिए, इसी तरीके से आपको मार्क करना है। अब सीधा स्टिच लगा देखिए, मैंने अपना गोल गला स्टिच कर लिया और इसको कट भी कर लिया। अब ये जो मेरे गोल गले की जो गोल आई की शेप है, इसमें मैं छोटे छोटे नोचेस लगा रही हूँ, ताकि मेरे गोल गले की शेप बहुत अच्छी है। मैंने नोचेस लगा दिया। अब मैं अपना गला ये टर्न करके यहाँ पे एक टॉप की स्टिच लगाऊंगी, बिल्कुल टॉप सिम जिसे बोलते हैं यहाँ पे। देखिए मैं अपनी इस पर टॉप सिम लगा रही, ताकि मेरा गला सेट हो जाए और फिनिशिंग और भी अच्छी हो जाए। देखिए मेरा फ्रंट का गोल गला सिल के रेडी है। अब मैं अपना बैक का गला सिलती हूँ। देखिए अब मैं ये अपने बैक का गला रेडी करके मैं आपको कंधी जोड़ना बताती हूँ, जिससे आपकी कंधी जो जोड़ते हैं और यहाँ से जो हमारा धागा अक्सर निकलता रहता है, अक्सर लोग इस तरीके से कंधी जोड़ देते हैं और यहाँ से मेरा धागा हमेशा दिखता रहता है। यहाँ से मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेरा बैक का पल्ला है। इस तरीके से इसका नेक को ओपन करके आप इसकी एज पर ये कपड़ा अपना दूसरा नेक रखोगे, अपना फ्रंट का पल्ला रखोगे और इसको इस तरीके से आप फोल्ड कर दोगे। जब आप इसको इस तरीके से फोल्ड कर दोगे तो आप अपना नेक अप सिलोगे और आपका धागा कभी भी यहाँ से दिखाई नहीं देगा। ये देखिए आप, मैंने अपनी ये दोनों कंधी जोड़ ली है बैक और फ्रंट की। और अब मैं देखो आपको इस तरीके से पलट के दिखाती हूँ। ये देखो मेरी यहाँ से बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं हुई है, बिल्कुल एक सीधी लाइन आई है। और कितनी फिनिश आई है, जो सिलाई लगाई है ये मेरा फ्रंट का पार्ट है, फ्रंट का पल्ला है, ये मेरा बैक का पल्ला है। इसी तरीके से मैंने अपनी दूसरी कंधी भी जोड़ ली थी, ये देखो। और अब हमारा ये जो कंधा गिरता है, ढीला होता है, इसलिए भी गिरता है क्योंकि हमारा जब ये दोनों कंधी जोड़ते हैं हम लोग, ये जब दोनों कंधी जोड़ते हैं तो इसमें जो डिस्टेंस लिया है मैंने सिलाई का, वो इक्वल नहीं लिया। जैसे कि अब मेरा आप डिस्टेंस देखोगे, ये सिलाई का इक्वल है मेरा, ये देखो आप। इस तरीके से भी सिलाई का इक्वल डिस्टेंस देख सकते हो, ताकि आपकी कंधी ये कंधा लूज होता है, इसलिए अभी आपका कंधा एक साइड से गिरता रहता है। अब ये दोनों इक्वल है। और आपको गला नापना भी मैं यहाँ से बताती हूँ, ये मेरा सेंटर पॉइंट है। इस तरीके से आप पकड़ के अपने दोनों गले बैक और फ्रंट का नापोगे तो आपकी कंधी ना सिलाई पर सिलाई आनी चाहिए। अगर आपकी सिलाई पर सिलाई नहीं आई है कंधी की, जिस तरीके से मेरी आई है, देखो ये मेरा नीचे का और ये मेरे ऊपर का, दोनों की सिलाई इक्वल आई है ना, एक के ऊपर एक। अगर आपकी इस तरीके से नहीं आती है, छोटा बड़ा मतलब इस तरीके से आता है, मतलब आपने कहीं पर ये कंधी जोड़ने में गलती करी है, तभी आपका एक साइड का कंधा गिरता रहेगा। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारी कंधी गिरने में, हमारा कंधा गिरता है, इस वजह से भी गिरता है। अक्सर हम डीप नेक पहनते हैं, हमारा एक साइड का कंधा गिरता है क्योंकि हमारे कंधे ना, ये जो हमारी शोल्डर है ये ठीक से जुड़े नहीं होते। और हमारा ये बैक फ्रंट का नेक अगर आप नापोगे तो इक्वल आना चाहिए नापने के बाद में, जिस तरीके से मेरा इक्वल आ रहा है ये देखो, उस तरीके से आपका भी इक्वल आना चाहिए। अब मेरे कंधे जुड़ गए हैं। अब मैं आपको ये मेरा, क्योंकि ये कट स्लीव सूट है, मैं अपनी आर्मोल, ये जो मेरा कंधा शोल्डर है ये आर्मोल है, इसको मैं बायस पट्टी से फिनिश करती हूँ, उसके बाद मैं इसकी फिटिंग करूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी ये और ये पट्टी है, बायस पट्टी जिसे बोलते हैं। मैं अपनी ये शोल्डर से अब इसको स्टिच कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरा कट स्लीव सूट है। पूरे पट्टी को बिल्कुल भी खींचते नहीं है, नॉर्मल पकड़ के इसे लगाते हैं इस तरीके से।
ये देखो मेरी ये जो नेक का नेक मैंने सेट किया था इस तरीके से, इसका जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है सीम अलाउंस है, ये पीछे की साइड आ रहा है। तो मैं अब इसका जो सीम अलाउंस है स्टिच करूँगी। ध्यान रखना है इसका सीम अलाउंस इसी साइड हो, इस साइड ना हो। कई बार हम सिलते हैं तो इस साइड भी आ जाता है, ऐसे पलट जाता है, पलटना नहीं चाहिए। इसी तरीके से इधर सेट है तो इधर ही सेट करके इसको सिल दो। देखो मैंने अभी ओरे पट्टी अपनी पूरी स्टिच कर दी। अब मैं इसका जो फैब्रिक है इस तरीके से इस साइड ले करके अब मैं एक टॉप सीम लगा दूंगी ताकि मेरी फिनिश सेट होए और मैं यहाँ पे फिर बाद में तुरपाई करूँगी। देखिए मैं अपनी डी ए टीच बटन की पट्टी सिल रही जो हमारे शोल्डर्स में लगती है। मैं अपनी फिटिंग की जो निशान मैंने मार्क कर रखा है ऑलरेडी उसी पे मैं अपनी स्टिचिंग करना आपको फिटिंग की लाइन के ऊपर बता रही हूँ। यहाँ पे मैंने अपना बाग टेक करते हुए ऐसे पक्का करते हुए अपनी सिलाई के ऊपर ही निशान के ऊपर ही सिलूंगी। ध्यान रही है दोनों लेयर को पकड़ते हुए स्टिच करना है। जिस तरीके से मैंने अपनी दोनों लेयर को पकड़ते हुए यहाँ पे और फ्रंट में लास्ट में और एंड में बैक टैक करते हुए अपना ये स्टिच करा है, उसी तरीके से दूसरी तरफ भी मुझे ये स्टिच करना है। और यहाँ पे मैं इस तरीके से टर्न करते हुए अपनी एक एक्स्ट्रा सिलाई लगा दूंगी। देखिए मैंने अपनी फिटिंग कर ली। अब ये जो मैंने अपनी मार्किंग कर रखी है इस तरीके से मैं अपने चाक को फोल्ड करूंगी, जो मैंने निशान नीचे और ऊपर लगा रखा है दोनों साइड पे इतना पकड़ के फोल्ड करके यहाँ पे इस तरीके से मैं अपनी एक क्रीज बना लूंगी ताकि जो मेरे दोनों पल्लों पर इक्वली फोल्डिंग हो। अभी मेरी जो क्रीज लाइन बन गई है अब मैं इसी पर स्टिच करूँगी। मैंने 5 नंबर का बख्या करके अपने इसको स्टिच किया है। देखिए फ्रेंड्स।